नमस्कार दोस्तों राजकुमार राव की हिंदी कॉमेडी फिल्म जो कि बॉक्स ऑफिस पर अपने आठ दिन कंप्लीट कर चुकी है और इसी के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर चल रही आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म जिगरा जो कि बोवी बॉक्स ऑफिस पर आठ दिन कंप्लीट कर चुकी है ऐसे में हम बात करने वाले हैं इन दोनों मूवियों के शुरुआती आठ दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इसी के साथ बात करने वाले हैं जूनियर एन की मच अवेटेड फिल्म देवरा के शुरुआती बाईस दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में जानने वाले हैं शुरुआती बाईस दिन में इंडियन नेट कलेक्शन कितने का कर लिया है तो आज हम जानने वाले हैं इन तीनों मूवियों के अब तक के इंडियन नेट और वर्ल्ड वाइड नेट के बारे में देखते हैं कि कौन सी मूवी ने कितने का कलेक्शन कर लिया है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके अपने पहले अपन बात कर लेते हैं भट्ट की मच अवेटेड फिल्म जिगरा के बारे में जो की बॉक्स ऑफिस पर ग्यारह अक्टूबर दो को सिनेमा घरों में करीब पच्चीस से ज्यादा स्क्रीनों पर रिलीज कर दिया गया था कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका बजट 80 करोड़ रूपए बताया जा रहा है दो तो भाषाओं में रिलीज किया गया हिंदी और तेलुगु में और जिसके साथ साथ के कास्ट में आपको काम करते हुए नजर आए थे आलिया भर रंग रैना आकांक्षा रंजन और मनोज पावा जैसे कई उमदा कलाकार आप देखना यह होगा की इसने अपने शुरुआती एक हफ्ता खत्म करने के बाद दूसरे हफ्ते में एंट्री मार चुकी है तो दूसरे हफ्ते में क्या कमाल कर रही है और कितने का कलेक्शन कर रही है तो जैसे की आप सभी को बता दू अपने शुरुआती पहला हफ्ता खत्म करने के बाद बाईस करोड़ पैतालीस लाख रूपए का कलेक्शन किया था और भाई बात करें इसके आठवें दिन के कलेक्शन के बारे में आठवें दिन इसने पिचानवे लाख रुपए का कलेक्शन किया है जो की काफी कम कलेक्शन है और वही बात करें इसके आज के कलेक्शन के बारे में यानी आज सैटरडे है तो हो सकता है ये डेढ़ से दो करोड़ रूपए के आसपास का कलेक्शन कर लेगी और वही आगे बढ़े तो इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में आपको बता इसने वर्ल्ड वाइड में तैतीस करोड़ रूपए का कलेक्शन किया है जो की एक तरीके से ठीक ठाक कलेक्शन है ऐसा लग रहा है मूवी हो चुकी है फ्लॉप क्योंकि अपना लगाया हुआ पैसा भी अपने शुरुआती पहले हफ्ते में नहीं निकाल पाई तो चलिए आगे बढ़ते अब बात करते हैं राजकुमार राव की हिंदी कॉमेडी फिल्म विक्की विद्या का बोबाला जिसको ग्यारह अक्टूबर दो को यानी कि आलिया भट्ट के फिल्म के साथ रिलीज कर दिया गया था जिसको पच्चीसो से ज्यादा स्क्रीनों पर रिलीज किया गया है यह एक हिंदी फिल्म है जिसका बजट मात्र तीस करोड़ रूपए बताया जा रहा है और इसके कास्ट में आपको काम करते हुए नजर आए हैं राजकुमार राव तृप्ति धिमरी और मल्लिका सेरावत जैसे कई उमदा कलाकार हो इसी के साथ साथ आगे बढ़े तो अब देखते हैं की इसने अपने शुरुआती आठ दिन में इंडियन नेट कलेक्शन कितने का कर लिया है तो जैसा की आप सभी को बता दू इसने अपने शुरुआती ओपनिंग डे में पांच करोड़ पचास लाख रूपये का शानदार कलेक्शन किया था और वही पहला हफ्ता खत्म करते करते छब्बीस करोड़ पचपन लाख रूपये का कलेक्शन कर लिया है और वही बात करें इसके आठवें दिन के कलेक्शन के बारे में यानी कि कल के कलेक्शन के बारे में तो कल इसने एक करोड़ बीस लाख रुपए का कलेक्शन किया है जो कि काफी ठीक ठाक कलेक्शन है और वहीं इसका आज नौवा दिन दिन शुरू हो चुका है है बताया जा रहा करीब से 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है वहीं बात करें इसके इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में तो आप सभी को बता इसने इंडियन नेट में 27 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है और ग्रोस कलेक्शन की बात करें तो ग्रोस कलेक्शन में इसने 32 करोड़ रुपए कर लिया है ऐसे में इसका टोटल वर्ल्ड वाइड नेट कलेक्शन सैतीस करोड़ रूपए हो चुका है जो की काफी शानदार कलेक्शन है एक हिसाब से लग रहा है की अपना दूसरा हफ्ता करते कर मूवी सुपरहिट हो जाएगी आपको क्या लगता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं जूनियर एन की मच एवेटेड फिल्म देवरा के बारे में जो की बॉक्स ऑफिस पर अपने बाइस दिन कम्प्लीट कर चुकी है और इसका दिन शुरू हो चुका है तो दिन ये क्या कलेक्शन कर रही तो चलिए शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में तो जैसा की आप सभी को पता ही कोर ताला शिवा के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म देवरा जिसके कास्ट में आपको काम करते हुए नजर आए हैं जूनियर एन टी आर सैफ अली खान जानवी कपूर और प्रकाश राज जैसे कई उमदा कलाकार जिसको टोटल भाषाओ को मिलाकर करीब वाइड में साढ़े आठ हजार स्क्रीन पर रिलीज किया गया था यह एक एक्शन एक एपिक ड्रामा फिल्म है जिसका बजट करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का बताया जा रहा है अब देखना यह होगा इसने अपने शुरुआती हफ्ते में कितने का कलेक्शन कर लिया है वही ये चौथे हफ्ते में एंट्री मार चुकी है तो ये कितने का कलेक्शन कर रही है तो जैसा की आप सभी को बता दू शुरुआती पहले हफ्ते में दो करोड़ पैतीस लाख रूपए का कलेक्शन किया था और वही बात करें दूसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में दूसरे हफ्ते में इसने पैंतालीस करोड़ पच्चीस लाख रूपए का कलेक्शन किया है इसी के साथ साथ बात करें इसके तीसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में तो तीसरे हफ्ते में इसने उन्नीस करोड़ पिछहत्तर लाख रूपए का कलेक्शन किया है जो की काफी शानदार कलेक्शन है वही बात करें इसके बाईसवें दिन के कलेक्शन के बारे में बाईसवे दिन इसने एक करोड़ दस लाख रूपये का कलेक्शन किया है वही आज इसका तेईसवा दिन शुरू हो चुका है तो तेईसवे दिन बताया जा रहा है कि करीब आराम से दो से तीन करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शंस कर लेगी आपको क्या लगता है ये कितने का कलेक्शन कर पाएगी इन तीनों मूवियों में से आपने कौन सी मूवी देख ली और आपको कौन सी मूवी पसंद आई है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो आपके अपने चैनल सीधे रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय जै भारत बंदे मातरम